Olivia and Basir. We are here again for Roast the Rory, and this time it's Shubhda. Hello. Hi Shubhda. Hi. Hello. Hello. Dekha kitna low tha hello. हेलो क्या हो गया इतनी स्पीड से बाहर आ गई तुम किसके ऊपर सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है लाइक कौन है वो सबसे फनी बात ये है कि जो मेरा फॉर्मर गैंग के दो लोग थे उन्होंने ही मुझे उड़ा दिया मेरे को सही में लगा था कि रोहन शायद शरण के अगेंस्ट डालेगा वोट और रोहन बोलता कि शायद ये फ्यूचर में श्रुति के लिए कॉम्पिटिशन है यार इस स्टेज पे अपना सोचो ना मतलब छोड़ दो दोस्ती यार ये घर जाके निभाओ मैं इनको इसलिए वर्ड आउट करना चाहूंगा क्योंकि टू बी ऑनेस्ट आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट माय गैंग एंड आई बिलीव शी इज अ कॉम्पिटिशन फॉर अस हम चारों में मुझे लगता है ये मेरा सबसे स्ट्रांगेस्ट कॉम्पिटिशन है पर मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि बंदा हो या बंदी कॉम्पिटिशन मान रहे थे और जब समवन लाइक शरण जो इतना उड़ता है हवा में मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा जब उसकी फटके हाथ में आती है ना वो सुकून सुकून में क्या करोगे यार बाहर हो अभी सुकून में क्या बाहर है तो क्या एक इमेज होती है जो मैं बाहर इमेज लेके जा रही हूँ जो शरण लेके जाएगा उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा क्या पता जीत जाए वो जीतेगा याद कौन रखेगा उसे टास में तो हगा है ना उसने सी पॉइंट इज फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आपकी गेम शुरू से बहुत अच्छी चल रही थी बट देन जहां पे आपको हेवायर हो गया आप जब ऑक्शन हुआ गैंग शिफ्टिंग दिस दैट ऑक्शन के बाद तो फिर सब ट्विस्ट हुआ Shubhda going thrice for 51 Shubhda you're going to gang raftar congratulations well done thank you sir that's a great prize not happy Shubhda no I'm fine Not happy at all? No, I am. Where do you think your game started going for that? Even after the auction, I'll tell you what. Even after the auction, I was always immune. Always. वो एक point जब वो एक immunity पांच लोगों के बीच में चार immunity बटनी थी. वो अगर वो calculation सही लगाते और वो देखते कि Surbhi doesn't deserve that immunity और वो मुझे दे देते. आज मैं वहाँ होती. Surbhi यहाँ ये बातें कर रही होती क्या चाहिए तुम्हें Surbhi प्यार चाहिए मेरा कि इम्यूनिटी सब कुछ नहीं तुम्हें एक चीज मिलेगी प्यार इम्यूनिटी फॉर Surbhi शी इज नॉट गेटिंग माय लव फॉर श्योर सॉरी Shubhda पिछले टास्क में जो लास्ट टास्क था आपका अगर आप उसमें कुछ और अलग करती तो शायद आप गेम में बनी रहती डेफिनेटली मैं आपको एक बात बताती हूँ जब हम रिंग में घुसे एंड Surbhi ने मुझे बहुत क्लियरली बोला आई एम डूइंग यू अ फेवर बिकॉज नेहा मैम हैज आस्क मी टू बट आई वॉन्ट अ फेवर फ्रॉम यू कि आप प्रीति और श्रुति को वोट नहीं करोगे सो लाइक Surbhi सेड दैट यस Surbhi सेड दैट एंड आई वाज लाइक हाँ ठीक है भाई मैं अपने आप को ही वोट कर देती हूँ फोर सारे वोट अपने अगेंस्ट डलवा लेती हूँ मैं घर चली जाती हूँ क्योंकि मैं तो यहाँ हलवा बांटने आई हूँ एंड मैं बस उसको देख रही हूँ गो ऑन कुछ आगे बोलेगी तो फिर मैंने बस जस्ट एक लुक दिया कि यू आर डूइंग मी अ फेवर और यू आर कीपिंग योर प्रॉमिस टू नेहा मैम बट मेरा सही में मन किया वो जो नीचे मिट्टी थी ना उसके मुंह में डाल Surbhi या हु हैज प्रोबेबली प्लेड एवरीबॉडी इनसाइड द गेम हु आर प्रेजेंट इन द गेम राइट नाउ एंड पीपल हु आर ऑलरेडी सेंट बैक होम या या आई थिंक शी इज द मास्टरमाइंड ऑफ रोरीज एक्सट्रीम एंड शी हैज प्लेड यू गाइस वेरी वेरी वेल Right now you're probably hating her or you're saying all that but back then when you had the opportunity to probably give it back to her in her face you didn't exactly where her game went right and your game went wrong don't you think so I wanted to be the bigger person but kya ho gaya bigger person hai ki kya fayda I'll tell you what theek hai aapko shayad uske liye respect bhi milegi this and that but your dream of being the ultimate roadie of roadies extreme has crashed just by one wrong move Shubhda do you realize that like agar aap chahte agar aap थोड़ा स्ट्रेटेजिकली सोचते तो शायद Surbhi को अगर आप वहाँ पे कट ऑफ कर देते तो आज शायद गेम के डायनामिक्स कुछ और होते और शायद आप आज वहाँ पे परफॉर्म करते होते और हम भी मिला था उस अलायंस में जाके उनको आराम से मैनिपुलेट करके तुम ये गेम खेल सकती ट्राई किया Surbhi को जब हमारा ऑक्शन हुआ व्हेन पीपल गॉट शिफ्टेड इधर उधर उसको हमसे थ्रेट लगा मैंने बहुत इनिशिएटिव लिया कि मैं Surbhi से बात करूँ आई वुड गो टू हर मैं बोलती थी Surbhi बात करे I don't want to talk to you right now. मैं कहा मत कर घर जा फिर अगर दिमाग खा रही है घर तो तुम्हें भेज दिया घर मुझे भेज दिया उसने यार you sleep in the bed you make उसका क्या मतलब है why did you say that उसका मतलब ये है कि कुछ पहले कुछ वोट आउट्स में मेरे गैंग ने मदद मांगी थी Shubhda से और Shubhda ने कहा कि नहीं अभी वो बात नहीं रही अब मैं अपने गैंग के साथ जाऊंगी अपने गैंग
को देखूंगी और गैंग के साथ वोट करूंगी. सो मे बी दैट्स व्हाट्स प्लेड आउट. वो एक सेंटेंस की यार आई एम गोना बी लॉयल टू द गैंग दैट आई एम इन. यू शुड हैव प्लेड डिप्लोमेटिक. Should have played a diplomat, then, don't you think? That would have gone against जो मैंने अपने starting से बोला है. At least आप still game में तो रहते. You would have had the chance to change it again. Starting से जो बोला किसको याद रहता है? See, you knew for the fact that Surbhi, चलो Surbhi day one से सबको पता था she is playing the evil card. ठीक है. Abhishek is playing again the underdog evil card. ठीक है. But at least you know for the fact that Rohan and Shruti were your own friends. Not really. मेरा gang बदला. उस time भी मैंने उस alliance को हमेशा assurance दी है कि मैं अपनी साइड से 100% ट्राई करूंगी कि आपका नाम ना आए. निष्कर्ष का नाम आता है ठीक है, वो हमेशा ऑपोजिट अलायंस करा है, उसके लिए इतना एक सॉफ्ट स्पॉट नहीं है. प्रीति, श्रुति, रोहन, दीज पीपल हम लोग सेम अलायंस के थे, तो इनको मैंने हमेशा बोला है कि काउंट करो मुझ पर, ट्रस्ट करो, तुम्हारा नाम नहीं आएगा. प्रीति ने वोट आउट में बोला कि लोग फेक हैं यहाँ पे, झूठ बोलते हैं. उस वोट आउट में प्रीति का नाम नहीं आया. क्यों? क्योंकि मैंने प्रीति का नाम आने नहीं दिया. उसी वोट आउट में श्रुति जब इम्यून हुई, श्रुति को शायद रियलाइज नहीं हुआ उसका नाम नहीं आ रहा था. But if you were so manipulative, why couldn't you manipulate it for your own self? I tried. मुझे I really don't know what went wrong. वो तीन वोट. Basically आप जब समझो, for example, आपने बोला कि भाई मैं अपनी गैंग के लिए लॉयल हूँ, ठीक है. सबको पता लग गया कि शुभदा सेट की मैं तो सबके लिए मैं अपनी गैंग के लिए लॉयल रहूंगी. Now say in a situation you flipped and you didn't go with it. जैसे मैंने आपको बोला आप कर सकते थे और आप वो करते अगर, तो सब बोलते यार शुभदा ने तो बोला था she'll be loyal to her gang but she didn't. By doing that you're still in the game. Yeah. You still have two more days. So if you would have got yourself two more days in the game, you had two more days, 48 hours to change everybody's opinion to the fact that maybe she flipped from what she said before, but she was smart enough to put herself immune back there again for two more days. That, by that you're buying time for yourself on the show. I feel, see, last night vote out mein gang leaders ne bol diya tha ki abhi se there's no gang, there's no alliance, there's nothing, it's your own decision. Exactly. To koi matlab agar flip bhi ho jati to fir I think it was very close to you know getting all of this gang thing over. Jab already wo baat establish ho gayi ki that there no more gangs. Yeah. Mere against vote us situation mein nahi aana chahiye tha. Doston se hi hai na. Us situation mein it had to go against Sharan. दोस्तों से ही आया. दोस्तों से ही आया. Why? That's what I'm asking. क्योंकि आपने ही बोला था कि I'll go with my gang. Yeah. But उस टाइम तो गैंग खत्म हो गए ना. जब ऑलरेडी गैंग लीडर्स ने बोला, जब आपको पिच करने का मौका मिला कि आपने ये पॉइंट बताया वहाँ पे, यही पॉइंट जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं, you had the opportunity to pitch. Exactly. This is what we're trying to explain. कि आपके पास बारहा टाइम था, बारहा आपके पास मतलब चांस था टू पुट योरसेल्फ आउट देयर. But what time it didn't click you? We were standing right there. Yeah. I was seeing you from behind the camera. I'm like, say this, say this, Shubhada, say this. But you were like, not there. Didn't maybe it was the pressure. Maybe it was just the fact that you know you because might leave. जब आप देखते हो, एक last हमेशा back of your mind रहता है कि ये शायद alliance last vote out में भी बोला है कि gang नहीं बचेंगे, dissolve होंगे सारे gangs. But कहीं ना कहीं वो एक alliance, एक friendship रहती है. 100%. वो इतना stressful situation हो गया था मेरे लिए कि shit ये 3-1 है. ऑब्वियस है और कोई पुराना अलायंस याद नहीं रखेगा, सब नया खेलेंगे. तो कहीं ना कहीं मैं बहुत प्रिपेयर्ड थी माइंड में कि ये 3-1 जाएगा. थोड़े बहुत होप्स थे कि टाई होगा बिकॉज मुझे लग रहा था रोहन शरण के अगेंस्ट डालेगा बिकॉज रोहन हैड दैट ब्रेन की यार जब कॉम्पिटिशन की बात आ रही है वो शायद शरण का नाम ले क्योंकि शरण ने उसको बाहर किया था रिंग से. बट उसने आउट भी मुझे इसलिए किया बिकॉज मैं श्रुति के लिए कॉम्पिटिशन हूँ. वो तो उसका भी नुकसान ही हुआ ना, उसका भी हुआ, वो भी आ गया. You get my point. Like I understand आप कह रहे हो कि ना आपको ये बोलना चाहिए था, you should have put that point. But रोहन तो अपने लिए खेल ही नहीं रहा था, तो रोहन का वोट वो श्रुति का सेकेंड वोट. शरण शायद श्रुति को बचाता, तो रोहन के अगर अगेंस्ट एक भी वोट जाता वो काउंट नहीं होता. तो मेरे अगेंस्ट एनी वे टू वोट्स आने थे, तो अगर 2-1-1 होता तब भी मैं जा रही थी, 3-1 डेफिनेटली आई एम गोइंग. सो टाई बहुत रेयर सिचुएशन में होता अगर रोहन या श्रुति में से किसी एक ने शरण के अगेंस्ट डाला होता. Different perspective about this. Divya, अगर कल के वोट आउट में जितने भी रोडीज खड़े थे जो घर जाने के वर्ज पे थे, उसमें से अगर सबसे सबसे ज्यादा अगर किसी के पास फायदा था, किसी के पास अगर प्लस पॉइंट थे, that was only Shubhada. You know why? Because she's played both the sides. You were playing on this side of the game with Raftar's gang and Neha's gang, but you had friends on the other side. Yeah. If you would have just used that one statement, ki guys, aaj raat खत्म है सब, इसके बाद इट्स इंडिविजुअल वन ऑन वन. सो डोंट थिंक अबाउट द अलायंसेस, डोंट थिंक अबाउट रफ्तार गैंग और प्रिंस गैंग और निखिल गैंग, नेहा गैंग. थिंक अबाउट द फ्रेंडशिप वी शेयर्ड. लेट अस गो टुगेदर आगे. आपकी गेम वहां स्ट्रांग थी क्योंकि
सबसे ज्यादा अगर कल दोस्त खड़े थे किसी के वहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ आपके थे। हम तो डिस्कस भी कर रहे थे शुभदा बच जाएगी उसके काफी दोस्त। I was so sure. I was like शुभदा सब मेरी फ्रेंडशिप्स जितना मुझे सुनने में आया है आई वॉज ओनली बींग यूज एज अ बेट। मैं कभी किसी के लिए प्रायोरिटी थी ही नहीं बचाने के लिए।